हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो 100% डिस्क यूज रहता है, ज़्यादा करके सभी लोग को प्रॉब्लम आती है कि विंडोज जैसे ही चालू करते हैं तो 100% डिस्क यूज आता है और विंडोज इतना स्लो हो जाता है बूटिंग के टाइम पे कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसका छोटा सा दो तीन स्टेप्स है, मैं आपको क्या क्या सर्विसेज जो है वो बताने वाला हूँ कि कौन सा सर्विसेज है जो आपको स्टॉप करना है, उसको परमानेंटली डिसेबल करना है, जिससे कि आपका जो डिस्क यूजर्स है वो कम हो जाए और आपका जो पीसी है रपा रप चलने लगे। तो गाइस चालू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे विंडोज में लिखना है सर्विसेस, और यहाँ पे जो है सर्विसेस आई है इसे हम लोग यहाँ पे रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। फिर यहाँ पे हमको सर्च करना है सी के टाइप करके कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्विस है जो कि आपको स्टार्टिंग में जब ये विंडो स्टार्ट होती है तभी ये फुल प्रोसेस में देता है कि यूजर एक्सपीरियंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट से कुछ डाउनलोड कर लेता है, तो वहाँ पे कुछ डेटा भेज देता है, कुछ रिसीव कर लेता है। तो ज़्यादा करके जो पीसी है जहाँ पे हार्ड डिस्क आज भी यूज़ हो रही है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है, तो वो हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है तो वो कैसा रहता है कि यूटिलाइज जैसे होता है हार्ड डिस्क, SSD रहती है तो आपको इतना मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज HDD रहेगा तो आपको फटाक से मालूम पड़ता है कि क्या इश्यू है, क्योंकि जो डिस्क यूजेस है वो हाई हो जाता है तो अपना पीसी जो है वो स्लो चलने लगता है। तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसका प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे इसको आपको इसको डिसेबल करना है, डिसेबल करके इसको स्टॉप करना है, फिर जो स्टॉप हो जाएगा फिर इसको अप्लाई करके ओके करके छोड़ देना है। तो क्या होगा, ये एक पहला सर्विस था जो आपका डिस्क यूजर्स है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टास्क मैनेजर। तो ये टास्क मैनेजर आप जाएंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा SSD कनेक्ट है तो यहाँ पे जो इसका यूजेस वगैरह बता रहा है कि आपको यहाँ पे देखिए छोटा है, अभी तो कुछ यूजेस हो रहा नहीं है, लेकिन जब भी विंडोज चालू होती है तभी ये जो ग्राफ है वो यहाँ तक जाता है, कोई कोई मशीन में तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है। तो हमें इसे ही ये पहला सर्विस ऐसा है, इसको डिसेबल करना है। देन आपको मैं बताता हूँ कि सेकंड सर्विस कौन सा है। तो सेकंड सर्विस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिसमैन का, तो यहाँ पे आपको S टाइप करेंगे आप तो थोड़ा सा नीचे आना है, तो ये देखिए सिसमैन सिस्टम, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको राइट डिसेबल कर देंगे, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली ये भी एक सर्विस है जो कि बहुत प्रेशर डालता है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो इसे भी हम लोग ने स्टॉप कर दिया है। और लास्ट एंड फाइनल, नॉट फाइनल, लास्ट एंड द लिस्ट आपको मैं बताऊंगा कि विंडोज सर्च करके है। तो विंडोज सर्च के लिए आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, तो विंडोज सर्च पे इस पर भी आपको डबल क्लिक करना है, इसको डिसेबल कर देना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है और यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देना है। तो बेसिकली ये जो तीन सर्विसेज थे, ये तीन सर्विसेज आप जैसे स्टॉप करके इसको रिस्टार्ट कर देंगे पीसी, तो आपका पीसी जो है ना फटाक से मक्खन की तरह चालू हो जाएगा, टकाटक चलने लगेगा। तो गाइज ये था वीडियो हमारा, जो 100% डिस्क यूजेस है हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो आपको और कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट्स में पक्का पूछ लीजिएगा। जाने से पहले पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो मुझे भाई बहुत बुरा लगेगा। चैनल को एक सब्सक्राइबर भी दे दो, एक लाइक दे दो और आपके दोस्तों में पक्का शेयर कर दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।